हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सरकारी नौकरी वाले बाबा। आई एम धनंजय। कल मैंने कहा था कि आपकी आज से मैथ की क्लासेस जो है वो आपकी स्टार्ट हो जाएंगी, तो जितने भी स्टूडेंट जो ESIC, UDC और MTS की तैयारी कर रहे हैं, साथ ही साथ अगर मैं बता दूं कि आपको NVS में जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट केटरिंग कंप्यूटर ऑपरेटर ऑडिट असिस्टेंट ठीक है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की तैयारी कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं इन क्लासेस को आप जरूर लें, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको जो मेनली ESIC का जो सिलेबस है और NVS का सिलेबस जो है, जो आपके क्वेश्चन मैथ में आते हैं, वो सारे टॉपिक्स मैं कवर अप करूंगा। ठीक है, तो मैंने आपको कल टॉपिक्स के बारे में बताया था, तो आज हमारा जो पहला टॉपिक है जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो हमारा है परसेंटेज का। ठीक है, पहला टॉपिक हमारा है परसेंटेज का। ठीक है, अब देखिए परसेंटेज पढ़ने से पहले मैथ में आपको कुछ बेसिक चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ती हैं, क्योंकि परसेंटेज आपका एक ऐसा टॉपिक है जो मैथ में आपके हर चैप्टर में आपका, चाहे आप प्रॉफिट एंड लॉस पढ़े, मेंशन एलिगेशन पढ़े, बहुत से ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिसमें आपका यूज होता है, तो इसको आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ना जरूरी होता है। ठीक है, तो इसको पढ़ने के लिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको सबसे पहले सिर्फ एक काम करना है, जैसे मैंने कल आपको बताया था टेबल्स वाला। ठीक है, कहीं ना कहीं वो आपने स्टार्ट कर दिया होगा, वो उसका जो रिजल्ट है वो आपको आगे मॉक टेस्ट में जब आप लगाएंगे तो उसका देखने को मिल जाएगा। सेम इसी प्रकार से इसका भी मैं बताता हूं कि सबसे पहले आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको ये, जैसे मान लो परसेंटेज में मैंने आपको लिख दिया, ठीक है, यहाँ पे 1 लिख दिया, फिर 2, तो 1/2 का परसेंटेज क्या हो गया 50%। ठीक है, तो आपको दोनों तैयार करने, 1/2 आपका क्या होता है 50% होता है, 50% क्या होता है 1/2 होता है। ठीक, फिर आपका 1/3 आपका कितना हो जाएगा, ठीक है 33, ये हो गया परसेंटेज। 1/4 आपका कितना हो गया 25%। 1/5 आपका कितना हो गया 20%। ठीक, 1/6 आपका कितना हो जाएगा आपका 16/3%। ठीक है, 1/7 आपका कितना हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा, ठीक है ये आपका हो गया। ठीक है, 1/8 आपका क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा लगभग आपका 12.5%। ठीक है, 12 सही 1/2। ठीक है, क्योंकि 25/2 होता है। ठीक है, 1/8 हो गया, 1/9 अगर हम कर देंगे तो आपका 11 सही 1/9% हो जाएगा, 1/10 कर देंगे तो आपका कितना हो जाएगा 10% आपका हो जाएगा, 1/ अगर हम 11 कर देंगे तो 9 सही 1/11% हो जाएगा, 1/ अगर हम 12 कर देंगे तो आपका कितना हो जाएगा 8 सही 1/3 आपका परसेंटेज हो जाएगा। ठीक है, 1/ अगर हम 13 कर देंगे तो 1/13 आपका कितना हो जाएगा 7 सही 9/13 आपका हो जाएगा। ठीक है, अगर हम 1/14 कर देंगे तो 1/14 आपका कितना आ जाएगा 7 सही 1/7 आ जाएगा। ठीक है, और 1/ अगर हम 15 कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा 6 सही 2/3 आ जाएगा। 1/ हम 16 कर देंगे तो 6 सही 1/4 आ जाएगा। 1/ अगर हम 17 कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा 17 5 सही 15/17। ठीक है, और लगभग आप ये मान लीजिए कि आपको 20 तक करने हैं। ठीक है, 1/17 हो गया, 1/18 अगर हम निकालेंगे तो 1/18 आपका हो जाएगा 5 सही 5/9 हो गया। 1/19 अगर हम हो जाएंगे तो 5 सही 5/19 हो जाएगा, और 1/20 आपका कितना हो गया 5% हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम 1/20 अगर निकल गया तो इतने सारे परसेंटेज आप सबसे पहले लिख लीजिए। ठीक है, जितने भी स्टूडेंट जो इस वीडियो को देख रहे हैं फटाफट से लिख ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि तो यहाँ पे आपकी आज से ESIC की आपकी क्लासेस जो है वो आपकी मैथ की स्टार्ट हो गई है, NVS की क्लासेस जो आपकी आज पे स्टार्ट हो गई है। तो सबसे बेसिक चीज होती है कि आपको परसेंटेज याद होना, ये आपको पूरी तरीके से आपको प्रैक्टिस में लाने, आपको याद होने चाहिए, जिससे आपको ये पता लग सके। मान लीजिए अगर आपके किसी सवाल में आ गया, ठीक है, कि 1/16, तो 1/16 का आपको तुरंत याद होना चाहिए कि ये 6 सही 1/4% होता है, या अगर आपको ये परसेंटेज में दे दिया गया तो इस तरीके से आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो इधर का मैं हल्का सा रफ कर देता हूं। ठीक है, अब इसके बाद मैं बताता हूँ आपको कि कुछ बेसिक, जैसे मान लो कि 1/24 हो गया। ठीक है, 20 यहां से तक हमने पढ़ लिया, 1/24 का अगर हम देख लें तो आपका हो जाएगा 8 सही 1/3%। ठीक है,
अब इसके बाद अगर हम बात करें 1/25 की, तो 1/25 हो गया आपका 4%, ठीक है। और इसके बाद अगर हम बात करें 1/40 की, तो 1/40 आपका हो जाएगा 2/2%, 5/2 हो जाएगा, ठीक। 1/50 अगर हम कर दें तो आपका 2% आपका हो जाएगा, ठीक है। 1/ अगर हम 75 कर दें तो आपका कितना हो जाएगा, 4/3%, ठीक है। तो लगभग इस तरीके से आपके जो परसेंटेज है वो आपको इतने तैयार करने हैं, जितना मैंने आपको पूरा बताया है। एक बार इसको अच्छे से आप तैयार कर लीजिए, ठीक है। इधर का मैं रफ कर देता हूँ। अभी मैं आगे आपको बताऊंगा कि आगे आपको परसेंटेज के अलावा और भी आपको क्या क्या चीजें जो है वो आपको करनी है, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है कि मान लीजिए अगर हमने लिखा हुआ है कोई परसेंटेज आपको दिया गया है, 16/2/3% आपको ये दिया गया है, ठीक है। अगर इस पे हमें मल्टीप्लाई करना है 5 का, ठीक है, तो मल्टीप्लाई किस तरीके से आप करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने के लिए सबसे सिंपल और आसान मेथड होता है कि इसका इसमें भी मल्टीप्लाई करें, इसका इसमें भी करें, ठीक है। जैसे आपको पर मास 5 मल्टीप्लाई करना है, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, पहले इसको कन्वर्ट करोगे 50/3, फिर (5)=900, ये करोगे आगे। ऐसा कुछ भी नहीं करना है आपको, सिर्फ क्या करना है, 16×5 = 80, 5×2=10/3, ठीक है, ये आ गया। और 3×3=9, तो 3 यहाँ पे आपका 10 जो है 3 से डिवाइड होगा, तो आपका 80+3/1/3, मतलब 83 से ही 1/3 आपका हो गया, ठीक है। जब लंबे आपको परसेंटेज आपको दिए जाते हैं, तो उस वहां पर आपको ये आपको करने पड़ेंगे, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम बात करें कि मान लीजिए कि कोई आपका 1/12, ठीक है, 1/12 आपको दिया गया है। अब यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि भाई 1/12 जो होता है वो आपका क्या रहता है, ठीक है। तो 1/12 का परसेंटेज आपसे 1/3% होता है। अब इसमें क्या लिया जाए कि 1/12 में अगर हम 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो उसको फिर परसेंटेज में आपका क्या आएगा। आपको मान लीजिए क्वेश्चन आपको ये दे दिया गया, तो इसके लिए आपको क्या करना है कि 1/12 में अगर हम इधर मल्टीप्लाई करेंगे, तो इधर किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे वो मैंने आपको ऊपर यहाँ पे बताया है। तो इंटू यहाँ पे 5 कर देंगे, तो 5/40, ठीक है, 40 ही हो गया। 5 इधर जाएगा, 5 का मल्टीप्लाई इधर हो गया, 5 का मल्टीप्लाई इधर होगा, तो 3 से डिवाइड भी होगा, तो 3×1=3, तो 40+1=2/3=41, सही 2/3। अब ये इसको थोड़ा सा अलग रूप में पढ़ेंगे कि 8 से 1/3 जो आपका होता है वो असल में होता है 8+1/3, ठीक है। तो अगर हम इसका ही इसका फॉर्म में बता रहा हूं, अगर हम 5 का करेंगे तो 5/40 ही हो गया, ठीक है, प्लस का 5/3 हो गया, तो ये 40+1+2/3 आपका आ गया, तो टोटल कितना हो गया, 41+2/3, तो ये आपका क्या आ गया जाके, 41/2/3 आपका आ गया जाके, ठीक है। तो ये आपको इस तरीके से आपको सवाल जो है वो आपको आएंगे, ठीक है। तो अभी हम बात करते हैं, और सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि और भी किस तरीके से आपको कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लो दिया गया 11/7, अब इस 11/7 को हमसे कह दिया गया कि भाई परसेंटेज में आपको कन्वर्ट करना है, ठीक है। अब आप में से लोग क्या करेंगे कि लोग पहले क्या करेंगे, 11/7 × 100, फिर ये निकालेंगे, फिर इसमें ये करके तब आपका आंसर आएगा। लेकिन यहाँ को एक थोड़ा सा सिंपल मेथड से हम सॉल्व करेंगे, और वो किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। सिंपल मेथड आपका ये है कि सबसे पहले इसको तोड़ लेते हैं, 11/7 है, तो 7×7 और 4/7 ये हो गया, तो इसको अलग अलग कर लेंगे, 1 सही 4/7। अब 1 जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, 100% हो जाएगा, और जो आपका 4/7 है वो आपका कितना हो जाएगा, तो फ्रैक्शन में मैंने आपको 4/7 बताया था, तो वो आपका हो जाएगा 57 सही 1/7%, ठीक है। तभी इसी वजह से कहा जाता है कि आपको जो परसेंटेज है वो आपको याद होने चाहिए। तो ये आपका टोटल अगर हम ऐड कर दें, तो आपका 157 सही 1/7% आपका आ गया, 11/7 का चेंज हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से अभी आपको परसेंटेज के और भी आगे सवाल आएंगे, तो सबसे पहला आपका जो काम है कि मैंने आपको जो परसेंटेज दिए हैं उनको एक बार अच्छे से याद कर लीजिए, उनके अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। कल से हमारे जो सम है वो स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। बेसिक जो मैंने आपको बताया था परसेंटेज का, वो इस वजह से बताना जरूरी था क्योंकि ये आपका जो चैप्टर है वो आपके हर चैप्टर में आपके परसेंटेज से रिलेटेड चीजें आपकी आती है, ठीक है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, आपकी डेली 12 बजे से आपकी क्लास होगी, आज थोड़ा सा डिले हुआ है, ठीक है। तो जितने भी स्टूडेंट जो
वीडियो को देख रहे हैं फटाफट से सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपको आगे बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो आपको यहाँ पे जानने को मिले।